गर्मियों की दस्तक हो चुकी है। ये पानी बारिश का पानी है और ये खेत हैं। अब इसमें कुछ नहीं उगा हुआ, पहले इसमें कनक लगी हुई थी, तो ये वो है। थोड़े दिन में गर्मी अच्छी वाली शुरू, फिलहाल तो ठीक है। हमने इतने बढ़िया व्लॉग बनाए थे पटियाला में और मेरी बेवकूफ़ी से सारे डिलीट हो गए। तो जेम सिट करते करते जगदेव जी ने मुझे ये समझाया कि आंख पास आ जाए तो रिकॉर्ड नहीं होती। वीडियो एडिटिंग चल रही है और मैंने ये खाना मंगवाया क्योंकि मैं आज घर से लेके नहीं आया। और ये है कतानी से, ये अपना TDI सिटी से जो भी है, ये देख लो आप, यहाँ से आया। तो पैकिंग तो ठीक ही हुई है, अंदर देखते हैं। ये कुछ समोसे हैं जो मैंने घर के लिए मंगवाए हैं, तो ये साथ लेके जाऊंगा। उसके अलावा मैंने मंगवाया है जो वो है राजमा राइस, दिखाता हूँ मैं। ये मैं साइड में रख देता हूँ जो समोसे, और ये राजमा राइस है जो मैंने मंगवाया तो ज़ोमैटो से था, लेकिन लेबलिंग इसमें स्विगी की है। एनीवेज तो ये आया है प्लास्टिक का, हम कुछ नहीं कर सकते, प्लास्टिक एवरीवेयर प्लास्टिक। तो इसको खा के देखते हैं कैसा है, पहले तो खोल लूँगा तभी तो खाऊँगा। मेरे ख्याल मैंने चना राइस मंगवाया, चना राइस वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे राजमा इतने ख़ास पसंद नहीं है। तो देखते हैं अभी खोल के कैसा है ये। ये मैंने इसको कर लिया है ओपन, और इसका कवर को हम पहले रख देते हैं साइड पे, देखें कैसा है ये। दिखने में तो अच्छा टेस्टी है, वैसे कतानी का खाना टेस्टी होता है। अच्छा दोनों तरफ चने ही हैं, मुझे लगा था शायद इन्होंने कुछ और डाल दिया होगा, बट दोनों तरफ चने ही हैं। तो देखते हैं अभी खा के कैसा टेस्ट है इसका। अच्छा नॉर्मल है, जैसे घर का खाना होता है वैसा ही है। नमक वगैरह भी ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, टेस्ट भी अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी मगर ये अच्छा है। कई बार होता है हमें चीज़ की उम्मीद नहीं होती, बट वो फिर भी अच्छा निकलता है। खाना बस फिनिश होने वाला है, इसके बाद में मैं जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ इसको ख़त्म करूँगा। बैठा हुआ यहीं पे अपने फ्लैट्स में जो हमारा अर्बन ऑएसिस नाम से है ना, उस वाले में चरण वहीं बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सामने काम हो रहे बाहर वो देख लूँ। टास्किंग उन चीज़ों की करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में, तो ठीक है ना, एक टाइम में काफ़ी सारे काम करो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। पानी की बोतल लेके आना भूल गया था आज, वो भी घर से, तो ये यहीं से खरीदी थी छोटी वाली बोतल। तो मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स में, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या करें। तो ये है मेरे पसंद की जगह और ये है नर्सरी। मुझे नर्सरीज में आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, काफ़ी कुछ मिल जाता है। वो तो क्वाइट ऑब्वियस है, वो दूर पता नहीं कौन सा पेड़ है, वाइट फ्लावर्स है, अच्छा लग रहा है ना। तो यही चीज़ है, ये पीछे फ्लैट्स हैं, काफ़ी तरीके के प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये तो बैक साइड है, बाकी ये देखो जो वैसे फ्लावर लीगल है वो लगे हैं, कौन से है, पॉपी। जब हम गंगानगर में थे ना, जब मैं छोटा था तब हम लोग ये पॉपी के फ्लावर्स लगाते थे, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ये तो सब अब हुआ है। तो ये बातें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, देखो जगह जगह फ्लावर्स लगे हैं पॉपी के, तो सामने भी तो नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी हैं। उधर वो पीछे प्याज के पौधे भी लगे हैं, सरसों भी लगी है, मे बी इनका है या किसी और का, आई डोंट नो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये जो है इसकी बैक साइड का है, इसके आगे का आपने पहले एक वीडियो में भी देखा होगा, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा।
मेरे को ना गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है बचपन से ही। जैसे आर्मी के घरों में रहते थे तो वहाँ पे काफ़ी गार्डनिंग वगैरह की थी। तो अब जैसे फ्लैट्स में रहते हैं तो उतना तो नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत है। तो अपने क्या कहते हैं उस थर्स्ट को मिटाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे आता रहता हूँ, लाइक नर्सरी में पौधे वगैरह जो लिमिटेड गमले लगे हुए हैं घर में उसी में फिर मैं ये सारी चीज़ें लगाता हूँ। बट अभी पीछे मैं दूसरी नर्सरी से लेके गया था मिट्टी, तो वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गंदी क्वालिटी की थी, पता नहीं क्यों उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं उगी। जो दूसरे पुराने मतलब प्लांट्स पड़े थे उसके लिए भी सॉरी उसमें ट्रांसफ़र किए थे तो वो उसमें भी जाके ख़राब होने लगे, और जो नई बीज और सब लगाए थे कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो यहाँ से लेके जाता हूँ तो हमेशा सही होती है, आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। यानी हो हम इसको लेके जाएंगे। एक शेड है इस पर भी कुछ प्लांट्स लगे, ये भी देखते हैं चल के। इस साइड में मैं पहले आया नहीं हूँ, मतलब नर्सरी के इस पार्ट में, वो भी देखते हैं कि क्या है। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इसमें भी, कुछ सूख गए हैं, मौसम भी चेंज हो गया ना, देखता हूँ। घर पे भी काफ़ी सारे प्लांट्स सूख गए हैं, अभी आया तो हूँ, सोच रहा हूँ ले ही जाता हूँ। तो यही मिट्टी पड़ी है जो, यही लेके जानी है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। बाकी कुछ ये वाली मिट्टी अभी मैं पूछ लूँगा भैया से कि भाई कौन सी वाली मिट्टी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की है। बाकी ये गमले हैं, मैं सीमेंट के लेके गया था जो ट्रायंगल शेप के, अभी वो आए नहीं हैं, बाकी ये सब पड़े हैं। बट ये मुझे चाहिए नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ये। मुझे लगा आप पीछे हो। मैं पीछे से घूम के उधर से उधर। अच्छा उधर से उधर, मैं पीछे ढूंढता रहा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए। क्या पता का। बाकी ये और गमले हैं साथ में, ये एक गैराज है, मोटर गैराज। ये देखो काफ़ी सारे प्लांट्स और हैं, ये इनका अंदर का ग्रीन हाउस शेड है, और ये सारे सिरेमिक प्लांटर्स हैं। इधर जो ब्लू वाला है ना इसके लेफ्ट साइड से एंट्रेंस है, कबीर नर्सरी है ये जीरकपुर में, वो फ्लाईओवर जा रहा है ऊपर। और इधर का भी दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, हेवन है ये, हेवन। मेरा बस चले तो ना मैं ये सारे प्लांट्स ही रख लूँ, बट पॉसिबल नहीं है ना आज के टाइम में, जगह लेनी भी कौन सी आसान है, इतनी महंगी जगह है और प्लांट्स भी इतने महंगे। प्लांट्स अंदर ले के एक एक प्लांट को लेके आगे ग्रो कर सकता है। ये वाला प्लांट है, सोच रहा हूँ ये वाला ले लेता हूँ, सुंदर लग रहा है। बाकी और भी हैं, ये सब पहले हमने लगाए हुए हैं बट अब सब जल जुल गए। कुछ गमले आते हुए यमुना नगर में ही छोड़ दिए थे। ये आगे वाला पार्ट भी अभी मैं कुछ आके दिखाता हूँ, इसका मैं कहने लगा था एजेंसी ये नर्सरी का, तो वहाँ पे कोई और आया हुआ है, उसने प्लांट्स लिए हैं भैया, उसके प्लांट्स निकाल रहे हैं। चलो आगे जाके देखते हैं अब क्या है और क्या लेना है। चलिए जो बाकी के देखते हैं। पीछे मैं ये वाले फ्लावर्स वैसे ले गया था, कुछ डॉग फ्लावर्स ले गया था, कुछ वो जो येलो वाले लगे ना वो ले गया था, बट उसके बाद में मेरा चक्कर लगा नहीं। बाकी देखो कितना ट्रैफिक है चारों तरफ, ट्रैफिक ट्रैफिक, इसे कुछ कर नहीं सकते। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, ग्रीनरी देख के जितनी खुशी मुझे होती है आई एम रियली वेरी श्योर कि आपको भी उतनी ही खुशी होती होगी। कोई प्लांट में ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये एलिफेंट है, और साथ में भी ये देखो ये लग रहा है क्रोकोडाइल। इमेजिनेशन है, देखिए कुछ भी लगा देता है। कई बार टाइल्स में डिज़ाइन ऐसा होता है उसमें भी लगता है कि कुछ है। जेम्स के लिए नई फीड आई है, मतलब कि नया पैकेट स्मार्ट हार्ट का, चिकन एंड एग फ्लेवर अडल्ट, और ये बड़ा बच्चा हो गया, ये बड़ा बच्चा आ गया, बड़ा बच्चा गुड बॉय। तो ये आई है, सबसे बढ़िया है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, होनी चाहिए। तो इसका खाना है ये यही खाता है, दूसरी खाता है तो इसके पेट खराब हो जाता है।